Good morning, everyone. Continuing with our next topic, basis or criteria for market segmentation. मतलब किस किस बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हो पूरी मार्केट को, कौन से वो कॉमन फीचर्स हैं जिनके बेसिस पर आप डिवाइड कर सकते हो, हम यहाँ पर उसकी बात कर रहे हैं. तो प्रोफेसर केंडफ एंड स्टिल ने जो एक सिंपल डिविजन दिया है प्रोडक्ट मार्केट के लिए, वो है कंज्यूमर मार्केट और इंडस्ट्रियल मार्केट. अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर, जो कंज्यूमर मार्केट है, आप उसे सेगमेंट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफी, डेमोग्राफिक बेसिस, साइकोलॉजिकल, मार्केटिंग बेसिस, प्रॉफिट बेसिस, क्वांटम बेसिस एंड लॉयल्टी बेसिस. और जो मार्केट है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की, उसे आप सेगमेंट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, यूजुअल परचेजिंग पावर, साइज ऑफ यूजर्स, जियोग्राफिकल मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस पे. पहले बात करते हैं सेगमेंटिंग द कंज्यूमर मार्केट को. जो कंज्यूमर मार्केट है, आप उन्हें सेगमेंट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हमने बात की जियोग्राफिक के बेसिस पे, डेमोग्राफिक और साइकोलॉजिकल बेसिस पे. तो जो कॉमन क्राइटेरिया है, सबसे पहले जियोग्राफिक सेगमेंटेशन में क्या हम कर सकते हैं, एरिया वाइज आप कर सकते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, रीजनल, लोकल. रीजन वाइज आप कर सकते हैं नॉर्दर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, सेंट्रल. क्लाइमेट वाइज हॉट, कोल्ड. देन सिटी साइज के अकॉर्डिंग, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, बिग सिटी है, स्मॉल सिटी है. ये टेबल जो गिवन है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. ये अर्बनाइजेशन है, तो उसमें अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल के हिसाब से कर सकते हैं, डेंसिटी के हिसाब से कर सकते हैं. हाईली पॉपुलेटेड है, मॉडरेटली पॉपुलेटेड है, लेस पॉपुलेटेड है. देन नेक्स्ट है आपका डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में जो मार्केटर है वो ट्राई करता है डिफरेंशिएट करने की ग्रुप्स को ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक वेरिएबल्स, जैसे एज, सेक्स, फैमिली साइज, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिलीजन, लैंग्वेज, नेशनैलिटी. और इसका बेनिफिट क्या है, डेमोग्राफिक बेसिस को आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इजीली मेजर कर सकते हो, डाटा इनका इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा और आप इजीली इन्हें कोरिलेट कर सकते हो विद सेल्स एंड अदर मार्केटिंग एफर्ट्स. तो जेंडर के बेस पे मेल, फीमेल, एज ग्रुप के बेस पे इन्फेंट, यंग, एडल्ट, ओल्ड एज, इनकम के बेस पे हाई इनकम ग्रुप, मिडल इनकम ग्रुप, लो इनकम ग्रुप, एजुकेशन के बेस पे प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, रिलीजन के बेस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, नेशनैलिटी के बेस पे इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, ऑक्यूपेशन के बेस पे सर्विस, बिजनेस, इंडस्ट्री, मैरिटल स्टेटस पे मैरिड है, अनमैरिड है. और इन सबको हम अगर रिलेट करते हैं, जैसे अगर सपोज हम जेंडर की बात करते हैं कि मेल और फीमेल के बेसिस पे आप डिवाइड कर रहे हो, तो आप प्रोडक्ट ले लीजिए, गारमेंट्स हो गया, या स्कूटर्स हो गए, या कॉस्मेटिक्स हो गया, फुटवेयर हो गए, इनको आप इजीली डिवाइड कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर. देन नेक्स्ट जो आता है आपका, दैट इज साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन. यहाँ पर जो होता है पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल, सेल्फ इमेज, एटीट्यूड, ये चीज़ें जो हैं फैक्टर बनती है. तो जो पर्सनालिटी वाइज है, एक्सट्रोवर्ट्स, इंट्रोवर्ट्स, एग्रेसिव है, लाइफस्टाइल कंजर्वेटिव है, लिबरल है, हेल्थ कॉन्शियस है, एडवेंचरसम है, स्टेटस सीकर है, सोशल क्लास में आप लोअर क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, मिडिल अपर क्लास है, अपर क्लास है. कल्चर में कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इंडियन आप कर सकते हो. जैसे फूड जो होता है, उस केस में आप ये चीज़ कल्चर को बेस बना सकते हैं. देन नेक्स्ट आपका मार्केटिंग बेसिस. मार्केटिंग बेसिस भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है. और जो वेरिएबल इसमें आप ले सकते हैं, डिग्री ऑफ कंपटीशन कैसा है, बिल्कुल कंपटीशन नहीं है, या लो कंपटीशन है, मॉडरेट कंपटीशन है, या एक्यूट कंपटीशन है मार्केट में. देन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कि सिर्फ रिटेलर्स के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, वन लेवल है, या टू लेवल है जहाँ पे होलसेलर और रिटेलर आ जाते हैं, या मल्टी लेवल है जहाँ पे सेलिंग एजेंट्स, होलसेलर और रिटेलर्स आ जाते हैं. देन बायर्स विद प्राइस कॉन्शियसनेस, हाई प्राइस मार्केट है, लो प्राइस मार्केट है. फॉर एग्जांपल, सेम प्रोडक्ट आपको नॉर्थ प्लेस मार्केट में भी मिलेगा और सदर बाजार मार्केट में भी मिलेगा, लेकिन जो प्राइस है वो डिफरेंट होगा. नॉर्थ प्लेस में आपको ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा और सदर बाजार मार्केट जो है दिल्ली की, वहाँ पे आपको कम कॉस्टली मिलेगा. तो एक मार्केटर सप्लाई कर सकता है सेम प्रोडक्ट डिफरेंट ब्रांड नेम के साथ या डिफरेंट पैकेजिंग के साथ दोनों मार्केट्स में. देन कंज्यूमर बिहेवियर बेस्ड हो सकता है, जहाँ पे हम यूसेज रेट देख रहे हैं उसका कितना है,
हैवी यूज कर रहा है, मीडियम यूज कर रहा है प्रोडक्ट को, या लाइट वेट यूज कर रहा है, या नॉन यूजर है जैसे स्मोकर्स के केस में हो सकता है. देन बेनिफिट रिस्पॉन्स की, जो कंज्यूमर जब पे कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए तो उससे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, वो डिफर कर सकता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट एंड फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर. जो बेनिफिट्स कंज्यूमर देख रहा है कि ड्यूरेबिलिटी देख रहा है, इकोनॉमी देख रहा है, एफिशिएंसी देख रहा है, प्रेस्टीज देख रहा है, जैसे शैम्पू है, शैम्पू क्लीनिनेस के लिए भी यूज हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए भी, एज अ कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक भी आप यूज कर सकते हो, या आप उसे परचेज करते हो इकोनॉमी भी प्रेफर करोगे कि कौन सा वाला शैम्पू सस्ता है. देन टूथपेस्ट के केस में आप प्रिवेंशन फ्रॉम टूथ डिके देख सकते हो, या गम की स्ट्रांगनेस के आपके फोकस है, या ब्राइट टीथ पे, फ्रेशनेस पे, टेस्ट पे, लो प्राइस पे. सेम तरीके से ऑटोमोबाइल में फ्यूल इकोनॉमी देख रहे हो, या क्वालिटी देख रहे हो, स्टेटस देख रहे हो, या रीसेल वैल्यू देख रहे हो. देन लॉयल्टी रिस्पॉन्स, लॉयल्टी रिस्पॉन्स भी लेटेस्ट बेस है जो यूज किया जा सकता है सेगमेंटेशन के लिए. ये इस चीज के ऊपर बेस्ड है एक्चुअली कि जो कंज्यूमर है वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है प्रोडक्ट्स को, इसीलिए वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए अपनी प्रेफरेंस क्रिएट कर लेता है. जो बायर से उसको बोला जाता है कि आप कंपेयर करो अपने एग्जिस्टिंग ब्रांड के प्रोडक्ट को और रेट करो उसे कि आप उसे कितना लाइक करते हो, और इस तरीके से जो सेलर है वो डेवलप कर सकता है आइडियल ब्रांड एक कस्टमर्स के ग्रुप में, और जो कंज्यूमर है उसको डिवाइड कर सकता है उसके बाद डेमोग्राफिक और साइकोग्राफिक फीचर्स में. देन सेगमेंटिंग द इंडस्ट्रियल मार्केट की बात करें तो कौन कौन से बेसिस हैं हमारे. सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, कि जो मार्केट है जिसे आप सेगमेंट कर रहे हो, इंडस्ट्रियल जो हाउस है वो कितने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो हैं उसमें डील कर रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रहा है. जैसे अगर फायर या जर्नल इंश्योरेंस बिजनेस के केस में जो प्रोडक्ट होगा वो आपका कोई भी ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे आपकी मशीन हो सकती है, आपका ऑटोमोबाइल हो सकता है. देन सेम तरीके से अगर मैराइन इंश्योरेंस बिजनेस में बात करें तो जो प्रोडक्ट होगा वो शिप होगी. लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में बात करें तो जो आपका कंज्यूमर है वो खुद प्रोडक्ट है. तो सेपरेट डिवीजन आप फॉर्म कर सकते हो हर एक टाइप ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग. देन ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिक लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन भी एग्जिस्ट करती है. कई बिजनेस और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्टिकुलर एरिया में होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट बना सकते हो, उसे सेगमेंट कर सकते हो. जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री पानीपत, साइंटिफिक गुड्स की इंडस्ट्री अम्बाला कैंट में, हॉजरी की इंडस्ट्री लुधियाना में. देन ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअल परचेजिंग प्रोसीजर, जो इंडस्ट्रियल यूजर्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा सिस्टमेटिक बायर्स होते हैं हाउस होल्ड बायर्स के कंपेरिजन में, और ज़्यादा जो कंसिड्रेशन पे करते हैं वो पे करते हैं प्राइस को, कि प्राइस कम होना चाहिए, ऑप्टिमम क्वालिटी होनी चाहिए, इजी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. देन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ यूजर आप डिवाइड कर सकते हैं कि जो लार्ज बायर्स हैं या मीडियम बायर्स हैं या स्मॉल बायर्स हैं. और जब जनरली अगर आप लार्ज लॉट्स में सेल कर रहे हो तो आपको ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है मार्केटर के लिए, और जो इंडस्ट्रियल मार्केट्स हैं वहाँ पे आप लोअर रेट जो है वो कोट कर सकते हो अगर लार्ज क्वांटिटीज जो है बायर डिमांड कर रहा है. तो इंडस्ट्रियल जो मार्केट्स है उसे भी आप डेमोग्राफिक और सिचुएशनल वेरिएबल्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं. जैसे डेमोग्राफिक बेसिस पे देखें तो इंडस्ट्री आप देखोगे कौन सी है, कंपनी का साइज क्या है, लोकेशन क्या है. सिचुएशनल वेरिएबल्स देखोगे तो आप बायर सेलर की सिमिलैरिटी देख सकते हैं, रिस्क बेयरिंग और लॉयल्टी देख सकते हैं, अर्जेंसी देख सकते हैं कितनी है कंज्यूमर को, साइज देख सकते हैं उसके ऑर्डर का. देन नेक्स्ट जो हमारा पास टॉपिक आता है दैट इज टारगेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज और सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजीज. मार्केट को जब आपने सेगमेंट कर लिया उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज इवेलुएशन करना मार्केट सेगमेंट्स का. अकॉर्डिंग टू फ्लिप कोटलर जब आप इवेलुएट करते हो डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को तो एक कंपनी को क्या क्या कंसिडर करने चाहिए, उसे तीन फैक्टर्स कंसिडर करने चाहिए. सबसे पहला है सेगमेंट का साइज और उसकी ग्रोथ, दूसरा सेगमेंट के स्ट्रक्चरल इफेक्टिवनेस, और तीसरा ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज कंपनी के. सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंट के साइज एंड ग्रोथ. जो कंपनी है उसे कलेक्ट करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए डाटा रिगार्डिंग सेल्स, ग्रोथ रेट क्या है वहाँ सेल्स की,
एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है वेरियस सेगमेंट्स की. फॉर एग्जांपल अगर एक स्मॉलर कंपनी है और उसमें उसके पास स्किल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है लार्ज सेगमेंट को सर्व करने के लिए, तो और या फिर उसे लग रहा है कि जो लार्ज सेगमेंट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, तो वो कंपनी एक स्मॉलर सेगमेंट को सिलेक्ट कर सकती है जो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है कॉम्पिटिटर्स के लिए लेकिन कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कंपनी के लिए. देन नेक्स्ट इज योर सेगमेंट स्ट्रक्चरल इफेक्टिवनेस. यहाँ पर जो कंपनी है वो एग्जामिन करेगी स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को जो इफेक्ट करेंगे उसे लॉन्ग रन में, जो सेगमेंट है उसकी अट्रैक्टिवनेस को. फॉर एग्जांपल एक सेगमेंट आपको लेस अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि वहाँ पे स्ट्रांग कंपटीशन है या अग्रेसिव कॉम्पिटिटर्स हैं और बहुत सारे एक्चुअल जो पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो वहाँ पे अगर आप जाएंगे अपना प्रोडक्ट लेके तो आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होगी. जो बार्गेनिंग पावर होगी बायर्स की वो भी इफेक्ट करेगी सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस को. फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रेजेंटली करंट में देखें तो जो सोप इंडस्ट्री है उसमें जो लक्स रेक्सोना ये जो ब्रांड्स हैं, डव है, ये सारे ब्रांड्स ऑलरेडी वेल एस्टैब्लिश्ड है. उसमें अगर एक कुछ नया प्रोडक्ट आप ऑफर करेंगे तो जो डिफिकल्टी आएगी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसका जो लेवल होगा वो डिफरेंट होगा, क्योंकि जो सोप के लिए टारगेट कस्टमर्स हैं वो ऑलरेडी बिग कॉम्पिटिटर्स जो हैं उस इंडस्ट्री में जो ऑलरेडी हैं उनके बीच में डिवाइड हो चुके हैं. तो अगर अचानक से एक नई कंपनी आ जाए, जैसे आप फॉर एग्जांपल करंटली देखें एक नया ब्रांड आया जो कहता है कि आप साइंस की सुनो, और जो दूसरा ब्रांड है वो ऑलरेडी जो लक्स हैं, रेक्सोना है, डव है, वो उन सबको जो है वो कम्पीट करने के लिए आया, तो वो उन सब ने इकट्ठे होके नहीं ऐड निकाल दी कि ये पीएच लेवल सबका है, वाटर का ये पीएच लेवल होता है, मिल्क का ये पीएच लेवल होता है, तो क्या आप इंडियन सिचुएशन के हिसाब से उसको बंद करना यूज़ कर बंद कर दें उसको यूज़ करना, तो वहाँ पर जो कंपटीशन लेवल है आपके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. द नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी. इवन इफ की जो सेगमेंट है वो राइट साइज का है या ग्रोथ रेट है, स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस है, कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज को भी कंसिडर करना है वाइल रिलेटिंग या वाइल सेलेक्टिंग द टारगेट सेगमेंट. कुछ जो अट्रैक्टिव सेगमेंट हो सकते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच करें. अगर एक सेगमेंट मैच करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के साथ तो कंपनी को उसे कंसिडर करना चाहिए. कंपनी को ये देखना है कि उसके पास वो स्किल्स रिसोर्सेज हैं या नहीं है उस सेगमेंट में सक्सीड करने के लिए. इवेलुएट करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद मार्केट सेगमेंट को, कंपनी जो है वो ये डिसाइड करती है कि कैसे उसे अपनी टारगेट मार्केट को कवर करना है. टारगेट मार्केट का मतलब वो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जो शेयर कर रहे हैं कॉमन नीड्स और कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो उनको सर्व करेगी, उनके ऊपर अपना जो मार्केटिंग मिक्स के रिसोर्सेज है वो स्पेंड करेगी. तो जो सेगमेंटेशन है उससे आपको इफेक्टिव टारगेटिंग ऑफ मार्केटिंग आप कर सकते हो. थ्री मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं, वो कौन कौन सी है? अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और कंसंट्रेटेड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी. इसमें ब्रॉड में अगर हम यहाँ पे देखें इस डायग्राम में आपको क्या समझ आ रहा है कि अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग में आप कोई डिफरेंस बीच में क्रिएट नहीं कर रहे हो, डिफरेंट बेसिस पे आप पूरी जो आपकी टारगेट मार्केट है उन सब के लिए एक ही चीज़ अप्लाई कर रहे हो, जबकि जो डिफरेंशिएटेड मार्केट है उसमें आप सेगमेंट्स क्रिएट कर रहे हो और हर एक सेगमेंट को आप अलग तरीके से डील कर रहे हो, हर एक के लिए अलग आपका मार्केटिंग मिक्स है. जबकि कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में आप खाली जो एक सेगमेंट आपने सेलेक्ट किया आपका फोकस सिर्फ उसके ऊपर है, बाकी सेगमेंट्स के ऊपर आपका फोकस नहीं है. इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू सो मच.